केवल टेनिस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया। इसके बाद सुमन सिंह ऑल इंडिया विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। पार्टियों से मालूम होना चाहिए था इन सभी खिलाड़ियों का, और इस तरह से 20 ऐसे खिलाड़ी जो विभिन्न क्षेत्रों के थे जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ गोरखपुर का ही गौरव नहीं बढ़ाया बल्कि देश का गौरव बढ़ाया है, उनको पुरस्कार मिला। निश्चित रूप से इस प्रदेश के सभी युवाओं में एक नए रंग का संचार हुआ होगा और निश्चित रूप से वो देश का बहुत आगे और भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व ये महाराज जी का ही खेल है। इतने काफी व्यस्त समय में से भी आपने समय निकालकर कुछ महाराज जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि सभी खिलाड़ियों को मंच पर अभी बुलाया जाए तो उनका सम्मान होगा। इसलिए मैं आयोजन में लगे हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि क्रम से मैं नाम बोलता गया उनको आगे बढ़ाते जाएंगे। नीतीश यादव, सत्येंद्र यादव, विकास चौहान, यशवीर, इसी क्रम में आगे आते जाए। नीतीश यादव, सत्येंद्र यादव, कुश्ती में ऑल इंडिया विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में तृतीय स्थान नीतीश यादव, जिन्हें सम्मानित करती हुई प्रेम माया जी, सत्येंद्र यादव, कुश्ती में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक। इसके बाद विकास चौहान तैयार रहेंगे। विकास चौहान, यशवीर कुश्ती में सब जूनियर स्टेट प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान। इसके बाद कशितानंद निषाद, विवेक यादव कुश्ती में स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किए, अनिल के बाद सुना रही है कुश्ती में राष्ट्रीय सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में प्रथम स्थान। इसके बाद सुना कुश्ती में राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में प्रथम स्थान जनार्दन। इसके बाद बैसवी सिंह कुश्ती में जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। इसके बाद विनय पासवान चला रहेंगे। विनय पासवान कुश्ती में सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। वंदना, इसके बाद वंदना, वंदना के बाद प्रेषक को सफेद यादव वंदना प्रदीप सैनी, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप सैनी।
सब दुनिया कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ समझता है, जहां तालियों से उत्साह पसंद करते थे खिलाड़ियों का। कबड्डी में सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उत्तर चौहान, अरविंद यादव। कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने खेला, खेलो इंडिया में किसी स्थान प्राप्त किया, इसके बाद श्रेया यादव तैयार नहीं। जिम्नास्टिक में उत्तर प्रदेश स्कूल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में तीसरी स्थान, इसके बाद विकास चौहान तैयार रहेंगे। विकास चौहान पावर लिफ्टिंग में नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हुए तृतीय स्थान, इसके बाद मुस्कान कन्नौजिया तैयार रहेंगे। मुस्कान कन्नौजिया हॉकी में राष्ट्रीय जूनियर नेशनल चैंपियनशिप विभाग की, इसके बाद रंजन हॉकी में राष्ट्रीय जूनियर नेशनल गेम्स में प्रतिभाग किया। रंजन तालियों से अभिवादन करते रहे, बड़ा परिश्रम करके यहां तक पहुंचे हैं। संदीप हॉकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय, इसके बाद अजय यादव तैयार रहेंगे। जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई, अजय यादव, अतुल सिंह। भाजपा प्रतियोगिता में सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान, यूथ नेशनल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान विकास जायसवाल, इसके बाद राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में तृतीय स्थान, राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में समीक्षा सिंह, इसके बाद सूरज चौहान तैयार रहेंगे। तैराकी प्रतियोगिता में नुस्मत जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2019 में तृतीय स्थान, सूरज चौहान। सौरभ शुक्ला तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, इसके बाद शिवेंद्र त्रिपाठी तैयार रहेंगे। थालियों की गड़गड़ाहट कम हो रही है, शिवेंद्र त्रिपाठी निकालने वाली प्रतियोगिता में नेशनल चैंपियनशिप 2020 जो भोपाल में आयोजित हुई उसमें गोरखपुर से प्रतिभाग किया शिवेंद्र त्रिपाठी निशानेबाजी, इसके बाद हर तरह निशानेबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया। सभी सिंहा तैयार रहेंगे। सभी सिंहा निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्री नेशनल क्वालिफाइड मैच में प्रतिभाग किया। दिव्य प्रकाश गुप्ता तैयार रहेंगे। अमितेश सिंह निशानेबाजी प्रतियोगिता में, अमितेश सिंह निशानेबाजी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हुए, इसके बाद अस्मित सिंह निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरस्कार, इसके बाद तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से जिन्होंने इतना परिश्रम करके इस गोरखपुर का मान बढ़ाया है और इस नाग पंचमी के पावन अवसर पर तालियों की गड़गड़ाहट तो और होनी चाहिए। पूज्य महाराज जी इन प्रतिभाओं का उत्साह वर्धन करने अपने अर्थ व्यस्त समय में यहां पर पधारे हैं। ऋतु सुखे पर सुनिश्चित, इसके बाद तैयार रहेंगे।
बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सुमित दिवाकर सत्तरवीं नेशनल जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, इसके बाद श्रेया रानी बास्केटबॉल में 36 यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए श्रेया रानी बास्केटबॉल, इसके बाद तैयार रहेंगी सभा गुप्ता। हमारे गुप्ता 46 सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए बास्केटबॉल प्रतियोगिता में, और इसके बाद मानसी गौर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए गोरखपुर का मान बढ़ाया मानसी गौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ जायसवाल, अभिषेक कुमार, इसके बाद अभिषेक कुमार बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके बाद प्रशांत राय तैयार रहेंगे बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 36 यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए प्रशांत राय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, इसके बाद अमर राज टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया तथा सीनियर नेशनल में 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अमर राज टेनिस बॉल प्रतियोगिता सीनियर नेशनल 2021 में प्रथम स्थान, इसके बाद करेंगे निशा यादव हैंडबॉल प्रतियोगिता में 43 जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान, ज्योति चौहान तैयार रहेंगे, इसके बाद निशा यादव हैंडबॉल प्रतियोगिता में, इसके बाद ज्योति चौहान 43वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में तृतीय स्थान, मुक्ता तिवारी हैंडबॉल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान, इसके बाद समृद्धि सिंह हैंडबॉल प्रतियोगिता में किरानी सिंह जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में तृतीय स्थान, इसके बाद प्रिया शर्मा हैंडबॉल प्रतियोगिता में 83वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में तृतीय स्थान, और इसके बाद आज यादव तैयार रहेंगे मानवेंद्र यादव, ये सभी हैंडबॉल प्रतियोगिता के हमारे खिलाड़ी, तालियों तो साफ अर्थन करते रहे, आपकी तालियां कमजोर पर नहीं, इनका परिश्रम भारी चल रहा है, मानवेंद्र यादव, इसके बाद प्रज्ञा यादव केवल 23 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हुए प्रज्ञा यादव, उसके बाद अजय कुमार यादव तैयार रहेंगे, हैंडबॉल प्रतियोगिता के बाद प्रज्ञा यादव केवल 23 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हुए गोरखपुर का मान बढ़ाया प्रज्ञा यादव, इसके बाद अजय कुमार यादव नीरज चौरसिया एथलेटिक्स में अंतर विश्वविद्यालय में प्रतिभाग किया नीरज चौरसिया, इसके बाद किरण चौहान इन्होंने भी ऑल इंडिया विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया, किरण चौहान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऑल इंडिया विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, इसके बाद देवव्रता शर्मा ऑल इंडिया विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में तृतीय स्थान, हेमलता शर्मा, इसके बाद तैयार रहेंगे नितिन यादव, नीतू यादव एथलेटिक्स में ऑल इंडिया विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में तृतीय स्थान, और इसके बाद आदर्श सिंह काजल सिंह बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्टेट चैंपियनशिप में तृतीय स्थान, काजल सिंह प्रकाश राज करते हुए बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्टेट चैंपियनशिप में तृतीय स्थान, सत्येंद्र यादव कुश्ती में जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक, इनका पुरस्कार छूट गया था, और बैडमिंटन प्रतियोगिता से मैं आमंत्रित करता हूं संजय श्रीवास्तव बैडमिंटन प्रतियोगिता से,
कृपया मंच पर आ जाए, अगर हो तो सभागार में। वेतन में रजत पदक प्राप्त संजय श्रीवास्तव जी, इस तरह से आपने देखा कि 75 खिलाड़ियों को पूज्य महाराज जी ने अपने अति व्यस्त समय में से सभी को पुरस्कृत किया है। ये 75 देश के छावी कर्णधार है, देश का उत्तरभार इन्हीं के कंधों पर आना है। और इन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम से अपने को यहां तक पहुंचाया है। निश्चित रूप से संपूर्ण युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी और सभी हमारे खिलाड़ी जो आज सम्मानित हुए हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे युवा इस देश का, इस मिट्टी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के महामना अभिभावक, गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में अग्रणी प्रदेश बनाने वाले परम पूज्य महाराज जी का मैं अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि अपनी दिव्य वाणी से हम सभी को सिद्धित करने की कृपा करें। पूज्य महाराज को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अध्यक्ष पूर्वांचल खेल विकास मंच श्री दिनेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित देश के लिए खेलने वाले तीन महत्वपूर्ण ओलंपियन श्रीमती प्रेम माया जी, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव जी, कुमारी प्रीति दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मान्य विधायकगण, पहलवान श्री शीतल पांडे जी, पिपराई से विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, चोरी चोरा से विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी, अध्यक्ष कबड्डी संघ श्री अरुणेश शाही जी, अध्यक्ष हॉकी गोरखपुर श्री धीरज सिंह हरीश जी, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन श्री प्रभात पांडे जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री राकेश सिंह जी, पूर्व पहलवान श्री चंद्र विजय सिंह जी, श्री जनार्दन यादव जी, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, सचिव कुश्ती संघ श्री माया शंकर शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सीएम सिन्हा जी, पूर्वांचल के हमारे प्रमुख उद्योगपति गण और खेल प्रतिभागी गण, आप सबको मैं नागपंचमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर महायोगी बाबा गोरखनाथ के इस धाम में कुश्ती और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था, लेकिन विगत वर्ष से कोरोना महामारी के कारण यह प्रतियोगिता बाधित हुई है। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ का आयोजन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ के आयोजन में आप सबने देखा होगा
कि भारत का जो खेल प्रतिनिधि मंडल था वह अब तक का सबसे बड़ा खेल प्रतिनिधि मंडल इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया और अब तक के सर्वाधिक पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए हैं। ये पदक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्ष भारत के स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश का वर्ष है, यानी हम देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता भले ही यहां पर हम फिजिकली नहीं करा पा रहे हैं लेकिन 75 विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों का सम्मान हो इस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। सभी मंच पर उपस्थित हमारे तीनों पूर्व ओलंपियन और जितने भी हमारे यहां पर खेल प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने अपने अपने विधा में विशिष्ट स्थान बनाया है या वे लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब देश अपनी आजादी का उत्सव मना रहा हो और वह भी 15 अगस्त को आएगा और वह जब हम 75वें स्वाधीनता दिवस के वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिर जीवन के हरेक क्षेत्र में हमने क्या पाया है क्या खोया है यह जानने, जहां पर गलतियां हुई हैं उनका परिमार्जन करने और आगे के सकारात्मक माहौल में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें यह कुछ नया करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। और आज का ये 75 खिलाड़ियों को आपने देखा होगा सचमुच जब प्रेम माया जी और रंजना श्रीवास्तव जी एक एक खिलाड़ी के बारे में बोल रही तो उसी विधा से जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको हर एक खिलाड़ी की प्रतिभा और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी है और उसके प्रति सम्मान का भाव भी है। यानी एक एक नगीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति ने किसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में किसी ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में किसी ने राज्य के अंदर कि किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वर्ण पदक जीता, किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया रजत पदक जीता, किसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया कांस्य पदक जीता। लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था न मिलने के कारण वह अपने आप को कुंठित महसूस करता है और फिर आने वाली पीढ़ी को उस विधा की ओर जाने के लिए न जाने के लिए लगातार अगर कोई जाना नहीं चाहता तो उसको हतोत्साहित करता है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में व्यक्ति का नहीं पूरे देश का पूरे समाज का मान जुड़ा होता है, उसका सम्मान जुड़ा होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का परिचय करने का प्रयास करता है। और उन स्थितियों में हम सबकी भावनाएं अपने खिलाड़ियों की होना चाहिए लेकिन इसकी शुरुआत हमें स्थानीय स्तर पर गांव स्तर पर मोहल्ले स्तर पर नगर स्तर पर जनपद स्तर पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और इसी शुरुआत के क्रम में गोरखनाथ मंदिर में दशकों से नागपंचमी के अवसर पर इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था लेकिन कोरोना महामारी के कारण विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी यह स्थगित करना पड़ा था। और इसलिए मैंने यहां पर आयोजकों से कहा, मैंने कहा अच्छा होगा कि भले ही हम बड़ी प्रतियोगिता न कर पाते हों लेकिन अच्छा होगा कि इस अवसर पर एक आयोजन अपनी विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तर के खिलाड़ियों का एक सूक्ष्म सम्मान का कार्यक्रम होगा तो खेल के प्रति एक रुचि उसके मन में जागृत होगी तो सर हमें जानने का अवसर मिलेगा कि किस किस विधा के खिलाड़ी गोरखपुर में मौजूद हैं। मुझे सचमुच यही जानकारी थी कि निशानेबाजी के इतने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी गोरखपुर में हमारे पास मौजूद हैं। मुझे स्वयं नहीं मालूम था
कि तैराकी के या अन्य लॉन टेनिस के इतने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं। मैं स्वयं इस बात को नहीं देख पा रहा था, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में देखता था कि वहां पर स्पोर्ट्स हॉस्टल से जुड़े हुए तमाम छात्रों का प्रवेश होता था जनरल दूषण में भी और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जनरल दूषण कृषक इंटर कॉलेज में भी और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में भी। लेकिन आसमान छूती हुई ऊंचाई के साथ बास्केटबॉल के खिलाड़ी इतने अच्छे हमारे पास मौजूद हो, ये मैंने यहां पर पहली बार देखा है। और सचमुच ये गोरखपुर वासियों का, पूर्वांचल वासियों का दायित्व बनता है इन खिलाड़ियों को एक उचित मंच देकर के हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। भाई बहनों, हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया, यहां पर भी एक बालिका ने मुझे एप्लीकेशन दिया है यहां पर, और बहुत अच्छी मांग उन्होंने रखी थी मेरे सामने, श्री विशाल पासवान ने, कबड्डी के हैं मेनका यादव कबड्डी की हैं, अरविंद यादव कबड्डी के हैं, पुष्पेंद्र प्रदीप सैनी सजल चौधरी, इन्होंने खेल प्रशिक्षण बहाल करने के लिए हम लोगों ने इसकी अनुमति दे दी है। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, हम लोग प्रदेश के अंदर उस प्रकार का माहौल बना करके और इसको बहाल करने, प्रशिक्षकों को भी बहाल करने के लिए मैंने कहा सभी प्रशिक्षकों को फिर से कार्य पे लगा करके और उनको अच्छा मानदेय देकर के अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। दूसरा, आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार ने आने के बाद 2017 के बाद हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए कि अगर हमारा कोई खिलाड़ी राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है, ओलंपिक में वह स्वर्ण पदक जीतता है तो हम राज्य सरकार की तरफ से उसे 6 करोड़ रुपया देंगे, रजत पदक जीतता है तो भी उसको 3 करोड़ रुपया देंगे, कांस्य पदक जीतता है 1 करोड़ रुपये उस खिलाड़ी को हम राज्य की ओर से उपलब्ध करवाएंगे, ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी हम एक धनराशि देंगे, टीम को भी और व्यक्तिगत खिलाड़ी को भी। ऐसे ही एशियाड और कॉमनवेल्थ में भी पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी अलग अलग धनराशि हम लोगों ने घोषित की। इस बार टोक्यो ओलंपिक कोरोना महामारी के बीच में संपन्न हुआ है और आप सब जानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चुनौती से ही रास्ता निकालना है, आपदा के बीच में ही अवसर निकाल करके अपने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का एक परिचय ये कोई खिलाड़ी ही दे सकता है। और खिलाड़ियों ने वैश्विक मंच पर, टोक्यो के उस मंच पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसलिए भारतीय जो पूरी टीम थी उस पूरी टीम को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मार्च को टिकाना स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने हुए स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अपने उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसमें स्वर्ण पदक विजेता, भारत के लिए स्वर्ण पदक जिस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है उस खिलाड़ी को राज्य सरकार की तरफ से हम 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। रजत पदक विजेता 2 खिलाड़ी हैं, उन्हें हम राज्य की ओर से 1-1 करोड़ रुपए की राशि, 1.5 करोड़ रुपए की राशि उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हमारी जो खिलाड़ी हैं और साथ साथ हॉकी की जो टीम है, हॉकी की टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाने के साथ ही महिला हॉकी की टीम ने भी 72 प्रदर्शन किया। पहली बार भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची और वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इसलिए महिला हॉकी टीम को भी हम लोगों ने प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इस कार्यक्रम हम लोग प्रदेश के अंदर आयोजित करने जा रहे हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले हमारे 2 अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने देश की तरफ से खेला, उनको भी हम लोग इस अवसर पर सम्मानित करने जा रहे हैं और प्रदेश के अपने उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है उनका भी हम अलग से वहां पर सम्मान करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हर जनपद से 75 खिलाड़ियों को हम लखनऊ में आमंत्रित करेंगे। एक प्रकार से खिलाड़ियों का एक कुंभ होगा, 19
तारीख को लखनऊ में, और उस दिन हमारे सभी खिलाड़ी, हम कोचेज को भी वहां सम्मान देने जा रहे हैं और खिलाड़ियों को वहां बुला करके वे देखेंगे कि वास्तव में कैसे हम भी कॉमनवेल्थ के लिए, एशिया के लिए, ओलंपिक के लिए कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो गोरखपुर का तो सौभाग्य है कि तीन तीन ओलंपियन यहां गोरखपुर में हैं, इनका अनुभव का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तीनों हॉकी से जुड़े हैं, तीनों महिलाएं हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, वे आज देख सकते हैं कि तीनों ओलंपियन गोरखपुर से केवल महिला है। और इसलिए आज जब मंच पर वे आई हैं, मुझे आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने इन तीनों पूर्व ओलंपियन को यहां पर मंच दिया, उन्हें सम्मान दिया, और सम्मान देने के साथ साथ आने वाले समय में उनके अनुभव का लाभ हमारे नवोदित खिलाड़ी ले सकेंगे, इस विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए 19 अगस्त का जो कार्यक्रम लखनऊ में होगा, यह अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होगा, विशिष्ट कार्यक्रम होगा। हमें अपने खेल जो खिलाड़ी हैं, इस क्षेत्र में जो लोग अपना पूरा जीवन लगाए हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए और फिर उनसे इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि वास्तव में किस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की एकेडमी स्थापित करते हुए राज्य सरकार खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच दे सकती है। अभी तो व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति अपने स्वयं के सोर्स से, अपने स्वयं के प्रयास से, अभिभावक के पास क्षमता है तो उसे आगे बढ़ाने का मंच देता है, अन्यथा वह व्यक्ति भटकता रह जाता, उसकी प्रतिभा वहीं पर कुंभ हो जाती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, ये अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी के ही प्रयास का परिणाम है कि अब तक का ओलंपिक में सबसे बड़ा खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल उस अंतर वैश्विक खेलों के इस महाकुंभ में प्रतिभाग किया है, और प्रतिभाग करने के साथ साथ अपनी प्रतिभा का लोहा उड़वाने में सफल रहा है। और इसलिए एक अवसर हम सबके लिए होगा, आज का इस अवसर हम लोगों के लिए अपने खिलाड़ियों को सम्मान देने का है। नागपंचमी के अवसर पर कोरोना महामारी के कारण हम लोग भले ही कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन कुश्ती के साथ साथ अन्य अनेक विधाओं से जुड़े हुए खिलाड़ियों को एक साथ इस मंच पर पाकर के मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि आपके द्वारा इस खेल जगत में जो कुछ दिया जा रहा है वह स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। आप अपना प्रयास जारी रखिए, राज्य सरकार आपके साथ में आपके पूरे प्रयास को भरपूर समर्थन करती है, सहयोग करती है, और इस बात के लिए भी आश्वस्त करती है कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी केंद्र और राज्य सरकार हरेक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रहेगी। मेरा समाज से भी मेरी अपील होगी कि समाज का हर व्यक्ति भी उन खिलाड़ियों के साथ भावनात्मक रूप के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें मंच देने में अपना योगदान दें, उन्हें हर प्रकार से कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, इस प्रकार से एक अवसर दे जाने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उद्योग जगत, जनप्रतिनिधिगण, समाज के प्रबुद्धजन और समाज के विभिन्न तबके के नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान हुआ है, मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कि आप सब अपना प्रयास जारी रखें, आपका यह परिश्रम, आपका यह पुरुषार्थ आपको आपकी मंजिल जरूर प्रदान करने में योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। इसके पश्चात हम सभी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।